यक्षनायन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट के उस कदम का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि वो जो इस समय बातें कह रहे या फिर जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने अपने आक्रोश को दिखाने की कोशिश की है पार्टी हाईकमान के सामने, क्या ये मात्र एक जो है धमकाने का काम है या फिर एक तरीके से जो प्रेशर पॉलिटिक्स आपने देखी होगी वो जो है सचिन पायलट के द्वारा किया जा रहा है, या फिर वाकई वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई जो है कदम उठाने के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने बीते 2-3 हफ्ते पहले ही एक बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि अगर सचिन पायलट को लगातार अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक नए विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन खुद व्यक्तिगत रूप से अगर सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने कभी भी इस तरीके के संकेत या फिर इस तरीके की बातें खुलकर कभी भी मंचों से नहीं कही कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएंगे, और ये एक अहम सबूत है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ उसी निष्ठा से जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में भी जुड़े रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा मामला जो है इस समय देखने को मिल रहा है। फिलहाल हनुमान बेनीवाल को लेकर के जो लगातार खबरें आ रही है, फिर जिस तरीके से सचिन पायलट से जोड़ करके उनको देखा जा रहा है, उसे जो है एकमात्र राजनीतिक माहौल जो है वो बन रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि सचिन पायलट जो है वो हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान की सियासत में आने वाले चुनाव में उतरते नजर आएंगे या जो है वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। फिर भी राजनीति में कई बार जो चीज़ें आप सोच रहे होते हैं या फिर पर्दे पर जो चीज़ें आपको दिख रही होती है वो नहीं होती है, यानी कि हो सकता है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के तरह जो है यकायक अचानक से कोई फैसला ले लें और कांग्रेस पार्टी जो है सोचती रही है। तो देखते हैं कि अब हनुमान बेनीवाल के साथ जाने का जो तमाम खबर या फिर तमाम इस तरीके की जो शंकाएं जताई जा रही उसमें कितनी सच्चाई। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए यक्षनायन न्यूज़ को। धन्यवाद।